नमस्कार मैं प्रिया, आज 28 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। ग्रामीण डाक सेवक के 634 पदों के लिए निकाली गई रिक्तियां। भारतीय डाक के हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्किल ने ग्रामीण डाक सेवकों को भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ग्रामीण डाक सेवकों के कुल 634 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 6 नवंबर 2020 तय की गई है। इन पदों में 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अब कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो यह कोई मायने नहीं रखेगा, सिर्फ 10वीं पास के मार्क्स ही चयन का आधार बनेंगे। इच्छुक उम्मीदवार appost.in या appost.in/gds ऑनलाइन पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। राजधानी पटना के पर्यटन स्थल रानीघाट में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। राजधानी पटना में गंगा नदी पर कई घाट है, सबसे प्रसिद्ध रानीघाट है। घाट हर सप्ताहांत में जीवित रहता है क्योंकि नदी के शाम की आरती यहां दीपों के साथ की जाती है। भगवा वस्त्र पहने पुजारी आरती करते हैं। प्रार्थना और गीतों के साथ शंख बजाने से आरती शुरू होती है। पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि अगर आप रानीघाट के नजारे का आनंद उठाना चाहते हैं तो नवंबर से मार्च महीने के बीच में इस घाट का भ्रमण करने जरूर जाएं। आज होने वाले चुनाव में इन दस्तावेजों के साथ भी कर सकते हैं मतदान। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डालने जाएंगे। ऐसे में जिन भी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है या वोटर आईडी नहीं है, वो भी आसानी से अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके तहत पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आईडी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार के तहत रेजिडेंट जीन आइडेंटिफिकेशन का जारी हुआ स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का कार्ड, फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट, श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, चुनाव आयोग की जारी हुई फोटो वोटर स्लिप की मदद से मतदान दे सकते हैं। बिहार में मिले 600 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 678 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,13,383 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 6, अरवल में 4, औरंगाबाद में 23, बांका में 3, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 11, भोजपुर में 16, बक्सर में 5, दरभंगा में 10, पूर्वी चंपारण में 14, गया में 21, गोपाल गंज में 16, जमुई में 9, जहानाबाद में 21, कैमूर में 4, कटिहार में 17, खगड़िया में 1, किशनगंज में 13, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 7, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 29, नालंदा में 13, नवादा में 17, पटना में 231, पूर्णिया में 20, रोहतास में 8, सहरसा में 15, समस्तीपुर में 35, सारण में 11, शेखपुरा में 4, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 12, सिवान में 8, सुपौल में 17, वैशाली में 6, पश्चिम चंपारण में 7 मामले सामने आए हैं। पटना में 15 दिन में बना 850 वर्ग मीटर का फेस मास्क। पटना जिला प्रशासन ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। अब तक विश्व में 778 वर्ग मीटर कपड़े के मास्क का रिकॉर्ड रहा है। हालांकि पटना जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 850 वर्ग मीटर का मास्क बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मास्क को बनाने में 100 से अधिक लोगों ने मिलकर 15 दिनों में यह मास्क तैयार किया है, जिसे मंगलवार को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में बाहर भवन के मुख्य द्वार पर लगाया गया है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने इस बात का दावा किया है कि यह विश्व का सबसे बड़ा मास्क है। इससे पहले सऊदी अरबिया में अबीर अल खलील ट्रेडिंग कंपनी द्वारा 776 वर्ग फीट का विशालतम फेस मास्क बनाया गया था। आज विधानसभा चुनाव के 71 सीटों पर होगा मतदान। कोरोना काल में आज से बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत पहले चरण के 71 सीटों पर मतदान होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मतदान को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। साथ ही एक दिन पहले ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार को रोक दिया गया था। कोरोना के माहौल में आयोजित होने वाले चुनाव में कुल मिलाकर 1,066 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आज से शुरू होने वाले चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि कोरोना के माहौल में यह पहला चुनाव होने वाला है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 71 विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 7.29 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 2.14 करोड़ लोग वोट डालेंगे।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सैयद हसन की। सैयद हसन का जन्म 1 जनवरी 1908 को बिहार में हुआ था। सैयद एक भारतीय लेखक, विद्वान और पटना बिहार से फारसी भाषा और साहित्य के प्रोफेसर थे। वो एक महान विद्वान थे। उन्होंने 1972 से 1978 तक पटना विश्वविद्यालय के फारसी विभाग का नेतृत्व किया। 1954 और 55 में उन्होंने भारत सरकार के ईरान में अध्ययन के लिए विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की गई। हालांकि उन्होंने साल 1988 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। चुनावी ड्यूटी के लिए सैप जवानों को ले जा रही बस पर बिहार के औरंगाबाद जिले में चुनावी ड्यूटी के लिए जा रही बस बीच रास्ते में पलट गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सभी घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया था, जहां सभी का इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के औरंगाबाद जिले में जवान को लेकर पुलिस लाइन जा रही पुलिस वैन हादसे की चपेट में आ गई थी। हालांकि गंभीर जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आज एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की होगी रैली, जहां एक तरफ आज से बिहार विधानसभा चुनाव की किस्मत के फैसले की शुरुआत हो जाएगी, वहीं पहले चरण के चुनाव के दौरान ही दो दिग्गज पार्टी के वरिष्ठ स्टार प्रचारक अपनी जनसभा का संबोधन करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आज फिर से जनसभा का संबोधन करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज कांग्रेस नेता वाल्मीकि नगर और वेस्ट चंपारण के कुशेश्वर स्थान में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की 3 जनसभाओं का आयोजन होना है, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना के वेटनरी ग्राउंड का नाम शामिल है। बिहार रेजिमेंट ने गलवान घाटी में शहादत देने वाले जवानों के परिजनों को दिया सम्मान। बीते दिन गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में जान गंवाने वाले बिहार रेजिमेंट के जवानों के सम्मान के लिए बीते दिन एक समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह मुख्यालय झारखंड बिहार सब एरिया के तत्वाधान में आयोजित हुआ है, जहां सभी जवानों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, आयोजित इस समारोह में 16 बिहार रेजिमेंट के जान गंवाने वाले कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू की पत्नी भी शामिल थी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह करना था कि शहीदों के परिजनों को मिलने वाली सहायता मिली है या नहीं। गलवान में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू की पत्नी ने बताया कि उस दिन गलवान घाटी में जो लोग शहीद हुए, सारे शहीदों ने देश के लिए अच्छा काम किया है। वोटर लिस्ट में आसानी से कर सकते हैं अपना नाम चेक। आज से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं कई लोग इस असमंजस में होंगे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप आसानी से अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल nvsp.in पर जाना होगा, फिर सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल को क्लिक करें। इसके बाद आप अपनी डिटेल को दिए गए कॉलम में भरकर या निर्वाचन कार्ड नंबर के जरिए जानकारी ले सकते हैं। यह एपिक नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पर लिखा होता है। इतना ही नहीं, आप 1950 पर SMS भेजकर SMS के द्वारा भी जानकारी ले सकते हैं। छठ महापर्व के लिए 18 नवंबर से चलेगी रांची पटना और जयनगर के लिए स्पेशल ट्रेन। रेलवे रांची से पटना के लिए और रांची से जयनगर जाने के लिए सिर्फ एक दिन ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन 18 नवंबर को रांची से पटना के लिए रवाना होगी, वहीं 19 नवंबर को रांची आएगी। इस ट्रेन का नाम फेस्टिवल स्पेशल के नाम से चलेगी, लेकिन लोगों के सामने अब सबसे बड़ी परेशानी यह हो रही है कि वो बिहार पूजा के लिए आते हैं तो फिर रांची या झारखंड अन्य दूसरे शहरों में जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस साल छठ 20 और 21 नवंबर को है। पटना फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 18 नवंबर को रांची से रवाना होगी, यानी छठ पूजा के लिए जो मुसाफिर पटना या इस रूट पर बिहार के अन्य शहरों को जाना चाहते हैं, वे इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन के मुसाफिर जसीडी, क्यूल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और जयनगर जा सकते हैं। रेलवे ने 19 नवंबर को ही इस ट्रेन की वापसी रखी है। भाजपा ने पहले चरण के चुनाव के ठीक पहले कई विधायकों और सांसदों को दिखाया बाहर का रास्ता। चुनाव से पहले भाजपा ने एक बार फिर से बागियों पर सख्ती दिखाई है, जिसके तहत पार्टी ने एक बार फिर से सख्ती दिखाते हुए अपने 7 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें एक पूर्व सांसद, 2 पूर्व विधायक और एक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शामिल है। इन सभी नेताओं पर एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का आरोप है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पार्टी ने अब तक 45 विधायकों और नेताओं को बागी रवैया अपनाते हुए बाहर का रास्ता दिखाया है। हालांकि बीते दिन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया। पप्पू यादव ने सरकार बनने के साथ ही रोजगार के साथ भूमिहीनों को 1 BHK मकान देने की कही बात। बीते दिन जा प्रमुख पप्पू यादव ने समस्तीपुर के पटोरी के धामोन में आयोजित जनसभा का संबोधन किया था, जिसमें उन्होंने जनता के कई वादे किए हैं। सरकार बनने पर पप्पू यादव ने सभी युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ भूमिहीनों को घर देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक युवा को रोजगार दिया जाएगा, साथ ही भूमिहीनों को 1 BHK का मकान देंगे। वो
मरबा के प्रत्याशी सूर्यनारायण सहनी और मोहिद्दीन नगर विधानसभा के प्रत्याशी अजय कुमार बुलागिनिन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे। इनके साथ ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय सचिव चंद्रशेखर रावण ने भी सभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने पर कसा तंज। बिहार में पहले चरण में आज वोट डाले जाएंगे। वहीं इसी बीच सभी राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ जुबानी खींचतान जारी है। इसी क्रम में बीते दिन केंद्रीय मंत्री और भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने गोपालगंज में आयोजित चुनावी सभा में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 15 साल आपको याद नहीं है जब किसी एजेंसी का शीशा तोड़कर गाड़ी उठा ले जाते थे और कहा जाता था कि घर में शादी है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि जिसने जीवन भर नौकरी नहीं की है वो 10 लाख नौकरी देने की बात कह रहा है। सोनिया गांधी ने बिहार और केंद्र को बताया बंदी सरकार। कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी अब विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। इसी को लेकर ही सोनिया गांधी ने बीते दिन अपना वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने केंद्र की सरकार और बिहार सरकार को निशाने पर लेते हुए बंदी सरकार करार किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार अहंकार में डूब चुकी है और अपना रास्ता भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की ना तो करनी अच्छी है और ना ही कथनी। इस सरकार के शासनकाल में मजदूर आज मजबूर है, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार और निराश, अर्थव्यवस्था भी नाजुक स्थिति में जा चुकी है, जिसका असर लोगों की दिनचर्या पर देखने को मिल रहा है। इस सरकार ने समाज के हर वर्ग को अंधकार में खड़ा कर दिया है। बीते दिन कई विधानसभा क्षेत्र में गर्जे नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन कई चुनावी सभा का संबोधन किया, जहां उन्होंने सरकार की नीतियों का व्याख्यान किया। अपनी तीसरी जनसभा जो कि राजगीर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित करवाई गई थी, वहां उन्होंने कई बातें कही, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि आपने हमें पहचान दी, हम इसे भूल नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि इस बार हमने यहीं से एक कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है, अगर आप लोग एक बार फिर से जीत दिलाएंगे तो ये बाकी बचा काम भी करेंगे। वहीं हिलसा में आयोजित जनसभा में उन्होंने मौका मिलने पर जिले में युवाओं को लाभान्वित करने के लिए मेगा सेंटर खोलने की बात कही है। आपको बता दें, नीतीश कुमार यहां जदयू प्रत्याशी प्रेम मुखिया के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। चिराग ने 7 निश्चय में महाघोटाले की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में वो लगातार सरकार पर भी निशाना साधते देखे गए हैं। वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सभी जगह 7 निश्चय योजना में हुए घोटाले के चर्चे हैं। 7 निश्चय योजना में बिहार का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। योजना में हुए भ्रष्टाचार में 40% का कमीशन गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच के बाद से ही विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ही ये सब करवाया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने कारनामों को लेकर सलाखों के पीछे हैं। अगर आप भी ऐसे ही होते हैं तो आप भी सलाखों के पीछे जाएंगे। तेजस्वी ने किसानों का कर्ज माफ करने की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं ने रैलियों और जनसभाओं का सिलसिला तेज कर दिया है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वोट के लिए लगातार वादों की झड़ी लगा रहे हैं। रोजगार के बाद अब तेजस्वी ने जनता से एक और बड़ा वादा किया है, जिसके तहत तेजस्वी ने सीतामढ़ी के बेलसंड विधानसभा में जनता को संबोधित करने के दौरान सत्ता में आने के बाद किसानों का हितैषी बनते हुए किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली का बिल भी आधा करने की बात कही है। वहीं इस दौरान तेजस्वी ने सरकार को भी आने पर लिया है और नीतीश कुमार को भाजपा का कठपुतली बताया है। जो भाजपा कहती है नीतीश वही करते हैं। मांझी ने चिराग को बताया कोरोना। बिहार विधानसभा चुनाव में शब्दों की मर्यादा कई बार लांघी गई है और हर बार बयान देने वाला नेता मुश्किल में फंसते भी देखा गया है। हालांकि इसके बावजूद कुछ नेताओं पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी हाल ही में चिराग को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत मांझी ने चिराग को कोरोना बताया है। चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जारी खटपट में अब मांझी भी घुस गए हैं और यही कारण है कि उन्होंने बीते दिन अपना बयान जारी किया है और कहा है कि बिहार की राजनीति में लालटेन जलाने के लिए चिराग नाम का कोरोना घूम रहा है और ये ऐसे हनुमान है जो लंका की जगह राम की अयोध्या जलाने के फिराक में है। बिहार की जनता से गुजारिश है कि वो ऐसे कोरोना से बचे। चिराग पासवान के पिता को श्रद्धांजलि देते वक्त रिहर्सल का वीडियो आया सामने। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों चुनावी तैयारियों में लीन नजर आ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार पर भी आए दिन निशाना साधते रहते हैं। हालांकि रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद लोगों के मन में चिराग के लिए सहानुभूति जाग गई थी। हालांकि अब चिराग का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद लोगों की सहानुभूति गुस्से में बदल गई है। दरअसल इस वीडियो में चिराग श्रद्धांजलि देने से पहले हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, चिराग इस दौरान कई बार अपने श्रद्धांजलि का रिहर्सल करते भी देखे गए हैं, जिसका वीडियो सामने आते ही विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है।
सीएसके की कप्तानी धोनी के पास ही रहने देने पर सीईओ ने दिया अपना बयान। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब चेन्नई की टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंची है। हालांकि अपनी टीम के खराब परफॉर्मेंस के कारण महेंद्र सिंह धोनी भी काफी ज्यादा निराश नजर आए थे। हालांकि अब आगे आने वाले आईपीएल सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर सवाल उठने लगे थे, जिस पर सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने अपना बयान पेश किया है और कहा है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि धोनी 2021 में भी सीएसके की अगुवाई करेंगे। वहीं अब तक हमारे लिए 3 आईपीएल जीत चुके हैं, यह पहला ऐसा साल है जब हम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाए हैं। अक्षय कुमार को कपिल शर्मा ने गिफ्ट किया नोट गिनने वाली मशीन। द कपिल शर्मा शो में आए दिन अक्षय कुमार आ जाते हैं। इसी क्रम में आने वाले शनिवार को एक बार फिर से अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी शो का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसका वीडियो कपिल शर्मा ने खुद अपने इंस्टा हैंडल से शेयर किया है, जो कि काफी ज्यादा मजेदार भी नजर आ रहा है। जारी किए गए इस वीडियो में कपिल शर्मा अक्षय कुमार को नोट गिनने वाली मशीन गिफ्ट करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अक्षय कुमार ने भी कपिल शर्मा के जमकर मजे लिए। कपिल शर्मा ने कहा कि अक्षय पाजी का हमारे शो पर सिल्वर जुबली है, सभी लोग आपको कुछ न कुछ तोहफा देना चाहते हैं। गूगल ने एप्पल स्टोर से हटाया गूगल पे। गूगल पे को अस्थायी रूप से एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। दरअसल गूगल ने किसी समस्या को ठीक करने के लिए अपने एप्लीकेशन डाउन कर दिया है और ठीक हो जाने के बाद वापस आ जाने का भी दावा किया है। यह समस्या iOS के लिए गूगल पे ऐप को प्रभावित करती है। हालांकि इसका एंड्रॉयड पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार गूगल पे ऐप अगले कुछ समय तक के लिए ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं रहेगा, मगर यह एप्लीकेशन अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, क्योंकि यह समस्या केवल iOS वर्जन में ही प्रभावित करती है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 27 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,900 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,900 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विनय कुमार रॉय, रंजीत मेहता, संजीत पासवान, मोहम्मद रियाज, कुंवर सिंह, कैफ आलम, विकी कुमार, सबीर आलम, प्रेम शंकर, बाबूलाल यादव, प्रीतम कुमार, ऋषभ कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की तरफ से किए गए घोषणा पत्र पर विश्वास किया जा सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।